सो ही दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट कमाल के स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 25,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यू देखने के बाद जो है टॉप 5 स्मार्टफोन को सेलेक्ट किए हैं। साथ ही ये सभी स्मार्टफोन आपको 25,000 के प्राइसिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स के साथ में लेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का फ्लेक्सिप चिपसेट मिलेगा, जहाँ पर आप टॉप नॉच की गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही 65 वाट की कमाल की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और वहीं आपको अच्छी खासी डिज़ाइन, साथ ही आपको टॉप नॉच का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट जो है 25,000 प्राइसिंग के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी जाए Xiaomi 11 Lite NE 5G के बारे में, जहाँ पर आपको Xiaomi की तरफ से काफ़ी दमदार वाली स्पेक्स ऑफर की गई है। साथ ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम डिज़ाइन के साथ में आता है। इसके अंदर आपको फ्रंट की ओर दी गई है 6.55 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली 10-bit AMOLED डिस्प्ले, जो कि 90Hz पैनल के साथ में आता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको अंडर 25,000 के प्राइसिंग में टॉप नॉच का डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर आपका वीडियो कंजम्पशन रियली काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। साथ ही स्मार्टफोन सुपर स्लिम एंड लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है, और इसका वेट ओनली 158 ग्राम है। तो आप इस डिवाइस को सिंगल हैंड से भी काफ़ी इजीली यूज़ कर पाएंगे। और वहीं सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिल्ता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस दी गई है। और वहीं फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसका रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, जहाँ पर आपको डिटेलिंग साथ ही आपको डायनेमिक रेंज वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। यानी कि इसका कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और जैसा कि स्मार्टफोन स्लिमेस्ट डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको बैटरी थोड़ी सी कम दी गई है, जो कि आपको 4250 mAh का मिलता है, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। तो अब बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर आपको 12 5G बैंड्स का भी सपोर्ट दिया गया है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे जो है 1 से 2 घंटा तक जो है रेगुलर गेमिंग करेंगे, तो आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज के साथ में आता है। और वहीं आपको Xiaomi की तरफ से जो है 3 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा, और वहीं आपको 4 सालों तक जो है सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये डिवाइस जो है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, जहाँ पर आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया गया है। तो ऑडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका रियली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। साथ ही बात कर लें इसके प्राइसिंग की, तो ये डिवाइस आपको 6G+ 128GB के साथ में करीब जो है डिस्काउंट कूपन यूज़ करने के बाद, साथ ही अगर आप बैंक ऑफर यूज़ करते हैं, तो आप इस डिवाइस को जो है 25,000 के प्राइसिंग में काफ़ी इजीली बाय कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में एक स्लिमेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको कैमरा भी काफ़ी ज़बरदस्त चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जरूर से जा सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट फोन की ओर, तो ये डिवाइस आता है ओप्पो रेनो 7 5G, जिसे आप ऑफलाइन मार्केट में भी काफ़ी इजीली बाय कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ओप्पो की तरफ से मिलता है 6.43 इंच की एक फुल एचडी प्लस की ओलेड डिस्प्ले, जो कि 90Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है, और इस डिवाइस का वेट आपको 173 ग्राम देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करी जाए इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पर आपको मेन सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का मिल्ता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको यूलेस सेंसर देखने को मिलेगा। और वहीं फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है कैमरा काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। वैसे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट आपको कैमरा में कुछ खास निराशा देखने को नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस आपको 4500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 65 वाट की सुपर बुक चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को अप्रॉक्स जो है 30 मिनट्स में करीब फुल चार्ज आप कर पाएंगे। तो फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का 5G चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 6nm बेस्ड है। साथ ही आपको 13 5G बैंड्स का भी सपोर्ट दिया गया है, तो अच्छी खासी 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप जो है कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। और इसके अंदर आपको ओनली सिंगल बॉटम फायर स्पीकर ही दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस आपको 8G+ 256GB स्टोरेज के साथ में जो है करीब 29,000 के प्राइसिंग में मिल जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे SBI या फिर HDFC कार्ड यूज़ करेंगे, तो आपको 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप इस डिवाइस को ऑफलाइन मार्केट में लेते हैं, तो ये डिवाइस आपको इजिली 25,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है।
तो अगर आपको इस प्राइसिंग में ओप्पो की तरफ से कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ जरूर से जा सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर। तो ये डिवाइस आता है वीवो की तरफ से, वीवो V23 5G। और यहाँ पर आपको वीवो की तरफ से फ्रंट की ओर दी गई है 6.44 इंच की एक फुल एचडी प्लस की एमोलेड वाली डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज पैनल के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी सी नोच दी गई है, क्योंकि इसके फ्रंट में आपको डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ ही अच्छी बात है कि आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। और वहीं इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये डिवाइस जो है फ्लोराइट एजी ग्लास डिज़ाइन के साथ में आता है, जो कि यूवी रे साथ ही सनलाइट के संपर्क में आने में जो है कलर को भी चेंज करता है, जिसे आप इंडिया का फर्स्ट कलर चेंजिंग स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। और इसका वेट आपको 180 ग्राम देखने को मिल जाएगा। तो ये भी डिवाइस लाइट वेट डिज़ाइन के साथ ही आता है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर आपको जो है रियर साइड की ओर प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल की जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको बिल्कुल ही फालतू लेंस मिलेगा। और वहीं फ्रंट की ओर 50 मेगापिक्सल की मेन सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल की जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है। साथ ही अच्छी बात है कि आपको फ्रंट में डुअल टोन LED फ्लैश भी मिलता है। और यहाँ पर इसका कैमरा आपको जो है बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, यानी कि इसका कैमरा आपको काफ़ी दमदार मिलता है। साथ ही स्मार्टफोन 4200mAh बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। तो अब बात करिए इसके चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का 5G चिपसेट मिलता है, जो कि 6nm बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जो है ठीक ही देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अंदर आपको 7 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। और ये डिवाइस आपको सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है। प्राइसिंग की बात करें तो 8GB रैम के साथ में आपको जो ये डिवाइस करीब 30,000 का प्राइसिंग में मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप कार्ड ऑफर यूज़ करते हैं, साथ ही अगर आप इस डिवाइस को ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करेंगे, तो ये डिवाइस आपको 25,000 का प्राइसिंग के आसपास डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीवो की तरफ से कोई पावरफुल कैमरा वाली स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जरूर से जा सकते हैं। सो ही गाइस, अब बात करी जाए एक नॉन चाइनीज ऑप्शन के बारे में, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी M52 5G। और यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से मिलता है 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले, जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही आपको साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। और ये भी डिवाइस जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड कॉम्पैक्ट साइज के साथ में आता है, और इसका वेट जो है करीब 175 ग्राम है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। जैसा कि सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको कैमरा ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी सही देखने को मिलेगा, यानी कि इसका कैमरा आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस डिवाइस में जान डालने के लिए जो है 5000mAh की बैटरी यूज़ की गई है। वैसे आपको ये डिवाइस जो है 25W तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में आपको जो है 15W का ही नॉर्मल चार्जर मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको सिंगल स्पीकर का ही सपोर्ट दिया गया है। और वहीं बात करिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G के 5G चिपसेट यूज़ की गई है, जो कि 11 5G बैंड्स के साथ में आता है। वैसे यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगा, बट जैसा कि ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लिम डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसके कारण अगर आप इस डिवाइस को जो है लंबे समय तक हैवी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, जिससे आपको परफॉर्मेंस जो है स्टेबल वाली देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अच्छी बात है कि सैमसंग की नॉक्स की सिक्योरिटी भी दी गई है। प्राइसिंग की बात करिए तो ये डिवाइस आपको 6G+128GB के साथ फिलहाल के टाइम में 25,000 के प्राइसिंग में मिल जाएगा। तो अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे जो एक नॉन चाइनीज ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, साथ ही आपको कैमरा और वहीं आपको सैमसंग की तरफ से ही कोई स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इसके तरफ जरूर से जा सकते हैं। सो ही दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं रियलमी X7 मैक्स 5G डिवाइस के बारे में, जहां पर आपको अच्छी वाली स्पेक्स ऑफर की गई है। साथ ही इस डिवाइस में जो है कई बार काफ़ी दमदार ऑफर्स वगैरह भी चलते रहता है। यहां पर आपको मिलता है 6.43 इंच की एक फुल एचडी प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज पैनल के साथ में आता है। ये डिवाइस आपको प्लास्टिक बैक पैनल के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैट फिनिशिंग दी गई है और इसका वेट 180 ग्राम है। तो आप इस डिवाइस को भी सिंगल हैंड से काफ़ी इजीली यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। और वहीं कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का एक और आपको यूजलेस सेंसर दिया गया है। और वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस जो है प्राइस की अकॉर्डिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप डिसेंट से थोड़ा सा नीचे मान के चल सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 45mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जहाँ पर आपको 50W के सुपर डा चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।
और वहीं बात करिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में जो कि इस डिवाइस का मेन हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि 6 NM बेस्ड है। तो परफॉर्मेंस आपको प्राइस के अकॉर्डिंग नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, जहाँ पर आप किसी भी गेम को काफ़ी स्मूथली प्ले कर पाएंगे। साथ ही डिवाइस डुअल स्टूडियो स्पीकर्स के साथ में आता है, जहाँ पर अच्छी बात है कि आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस 8GB+128GB के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग करीब 27,000 है। बट अगर आप यहाँ पे ऑफर्स वगैरह में ट्राई करेंगे तो ये डिवाइस आपको कई बार जो है 20 से 25,000 के बिटवीन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि कई बार आपको यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खासी डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा ऑफर्स का वेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डिवाइस अंडर 25,000 के नीचे मिलता है तो आप इस डिवाइस की तरफ जरूर से जा सकते हैं। सो ही गाइस, यही था 5 बेस्ट कमाल के स्मार्टफोन जो कि 25,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक अगली वीडियो के साथ।